ये सिर्फ जागरूक करने के लिए है, भाई लोग जागरूक हो जाएं, थोड़ा सा और लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ CAA का समर्थन में रैलियाँ भी कर रहे हैं जी। और आ जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसे जो क्षेत्र के लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं यहाँ, जिनकी इस चीज़ समझ में आ चुकी है कि CAA का जो है, हमें जितना भी लोगों तक हम इसकी जागरूकता कर सकें उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। इसलिए बेटियों का रिएक्शन क्या था? दोनों बेटियां बहुत खुश हैं। उन्होंने जब हमने उनसे पहले राय ली कि बेटा हम ऐसा करना चाह रहे हैं, तो उन्हें इस बारे में पहले से ही ज्ञान है, क्योंकि तो बच्चे जब जो घर में हमारे माहौल में रह रहे हैं और वो डेली देखते हैं कि हमारे पापा जो हैं चारों तरफ घूम रहे हैं और इसके लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने हमने पहले समझा दिया था, उनकी सब समझ में है। जब कार्ड लेकर जा रहे हैं, कोई इस पर देख रहे हैं जो लोग आपके गेस्ट, तो वो क्या कह रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन होंगे कैसे? ऐसा ना, जिनको जानकारी है इसके बारे में, कई लोगों ने तो नहीं देख पाए हैं, वो जिन्होंने देखा है उनके फ़ोन आ रहे हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया जी, सपोर्ट किया हमें, बोला अच्छा है। और बेटी के ससुराल वाले दोनों बेटी, उन्होंने भी सपोर्ट किया बहुत अच्छा, उन्होंने कल बल्कि हमारी लगन गई है तो उसके साथ एक कार्ड हमने उनको भेजा है जी, तो बहुत सपोर्ट मिला उनका। उन्होंने भी कुछ खास करने वाले हैं इस बात को लेकर या सिर्फ कार्ड पे ही रहे? नहीं, अभी तो ये कार्ड पे ही है जी। शादी में कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है जी, कि उसमें ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि ये तो एक हमने संदेश देना था जिससे और लोग भी इस संदेश को आगे फॉलो करें। छोटे छोटी चीज़ें हैं, इनमें लिख करके चला जाएगा तो और भी हो सकता है, मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जो इस के लिए और भी अपने साथ में इसको आगे बढ़ाएं मुहिम को। CAA क्या है, क्या आप जानते हैं? CAA कानून है हमारा, किनको फायदा है? इसमें फायदा हमारे जो पाकिस्तान के अंदर हमारे अल्पसंख्यक हैं, जैसे जैन हैं, बौद्ध हैं, फारसी हैं और सिख हैं, ईसाई वगैरह हैं, जो वहाँ हमारे देशों से वहाँ उनको जो है परेशान किया जा रहा है और उनको जो है अल्पसंख्यक के नाम पे उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनकी बेटियाँ वहाँ जो हैं जो उनकी वो सेफ नहीं है, उनका जो है धर्म सेफ नहीं है और उनको जो है मतलब हर तरह से उनके पैसे छीन लिए जाते हैं। यहाँ तक हमने तो यहाँ तक सुना है कि वहाँ दुकानों में भी द्वेष होता है, एक आदमी कोई एक चीज़ 10 रुपये की है तो उनके लिए वही चीज़ 20 रुपये की है तो वो लोग तंग हैं वहाँ। तो हमारे मोदी जी की सोच है कि वो ऐसे लोग जो हमारे देश के ही हैं और वो यहाँ आना चाहते हैं, तो हम उसको इस CAA कानून के द्वारा उन्होंने बना करके हम उनको लाना चाह रहे हैं, वो आएंगे और बहुत से लोग आ भी रहे हैं। अभी यहाँ जमुना के पुश्ते पर बहुत से लोग आए थे अभी जो है 2-3 महीने पहले, तो वहाँ हमारे जागरूक लोग गए थे, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं तो वो गए थे, उन्होंने उनको कपड़े लत्ते दिए और उनके लिए अपनी आवाज़ उठाई। नहीं देखो, हमारा रिएक्शन तो साफ हमारे कार्ड पर दिख रहा है जी, कि हम लोग इसको खुल के सपोर्ट कर रहे हैं CAA को जी। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग जागरूक नहीं हैं, उनको गलत मैसेज दिया जा रहा है कि मतलब हमारे देश में जो मुस्लिम है उनके साथ गलत हो रहा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ CAA उनके लिए है जो बाहर पाकिस्तान में हिंदू हैं, मुस्लिम वो सिख हैं, ईसाई हैं, जिनके साथ मतलब वहाँ अत्याचार हो रहा है, ये सिर्फ CAA उन लोगों के लिए है। और बाकी जो हमारे देश में ये सब मैसेज फैलाया जा रहा है ना कि जो शाहीन बाग में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो तो पाकिस्तान वहाँ पर कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, वो अगर चाहते तो वो भी एक शाहीन बाग की तरह धरना प्रदर्शन दे सकते थे, पर उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारा देश है और इसको हमसे कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन जो शाहीन बाग में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो भारत को अपना देश नहीं मानते, इसलिए हम लोग खुल के इसका CAA का सपोर्ट करते हैं। दोनों दुल्हनों का और जिन गेस्ट का क्या, जो आप जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं वो? कुछ तो कह रहे होंगे इसे देख के वो कहीं। देखो, गेस्ट में जिन लोगों ने देखा है उनके तो तुरंत हमारे पास कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि अच्छी बात है कि आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो और लोगों को बता रहे हो कि आप भी खुल के सपोर्ट करो जी। ठीक है, और जिनको नहीं पता उनको हम बता रहे हैं।